हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटर के लिए इंस्टीट्यूट ने अपनी आरटीपी जारी करी दिसंबर एग्जाम्स के लिए। तो आरटीपी में बेसिकली दो चीजें हमें नजर आती हैं, एक अमेंडमेंट्स, नंबर दो क्वेश्चंस। क्योंकि आरटीपी का नाम ही क्या है, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, सो दैट मीन्स क्वेश्चंस। देखिए, जहां तक सवाल है अमेंडमेंट्स का, हमने ऑलरेडी अमेंडमेंट्स कर ली हैं, जिसके ऊपर मैंने दो लेक्चर दिए थे, पार्ट वन एंड टू। पहले मैं पार्ट टू की बात करूंगा। पार्ट टू के अंदर मैंने आपको करवाया था कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 135, जो कि आता है सीएसआर के ऊपर। बहुत बड़ा लेक्चर था, तो ये रहा हमारा पार्ट टू के अंदर। और पार्ट वन में हमने क्या किया था, हमने किया था कंपनीज एक्ट की ही, कंपनीज एक्ट 2013 की ऑल अदर अमेंडमेंट्स, जो मैंने आपको स्पेसिफाई ये किया था कि बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो कंपनीज एक्ट में आया, उसने कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो वो पेनल्टीज वगैरह मिलनी चेंज हुई थी। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे जो नए क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। आरटीपी बड़ी जरूरी होती है एग्जाम से पहले। देखिए, आरटीपी एमटीपी जो भी पुरानी है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको चार पांच क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाए कि यार देखे हुए हैं पढ़े हुए हैं, तो जो इंटरप्रिटेशन इश्यू होता है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज आईसीआई ने अपना क्या दे रखा, एक आंसर दे रखा है जी। वरना इंटरप्रिटेशन इश्यू हमेशा अराइज होता है इन सर्टन क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स के लिए। नाउ इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप ये मेरा पार्ट थ्री का लेक्चर लगा रहे हैं, तो बड़ा जरूरी है आपने ये दोनों लेक्चर लगा लिए हो, क्योंकि अमेंडमेंट्स की वजह से आपको यहां आंसर्स थोड़े डिफरेंट दिखेंगे। तो हो सकता है जब अगर आपने पुराना लॉ पढ़ रखा है तो आपको लगे कि ये आंसर तो सर गलत शेयर कर रहे हैं। नो, इट इज थ्रू अमेंडमेंट्स, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है, डिवीजन नंबर ए जो इंस्टीट्यूट ने दी है, दैट इज केस सिनारियो, केस बेस्ड एमसीक्यू या स्ट्रेट वे डायरेक्ट एमसीक्यू कह लीजिए। तो यहां पे दो केस स्टडी हमें दी गई है, एक कंपनीज एक्ट के ऊपर, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। कंपनीज एक्ट में हमें जो प्रश्न है ओपीसी पे है, और ओपीसी में काफी अमेंडमेंट्स हैं जो हमने पार्ट वन ऑफ द लेक्चर में डिस्कस करे थे। देखिए, रमेश ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, ग्रोसरी आइटम, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ग्रोसरी तो बिकेगी, राइट? और ऑनलाइन का जमाना है। देखिए, इनिशियली ये सिर्फ जयपुर में काम कर रहे थे, इन्होंने कई यंग लड़के रखे ताकि अपनी बाइक्स पे सामान डिलीवर करते हैं। इन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी बनवाई, मोबाइल ऐप भी बनवाया। इनके एक मित्र हैं सुधांशु, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने एक सजेशन दिया, भैया आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप प्रोप्राइटरशिप से कहां मूव करें कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ। तो उन्होंने कहा आप बना लीजिए ओपीसी, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, रेड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी एंड द इनकॉर्पोरेशन रूल्स फ्रॉम रूल नंबर 3 टू रूल नंबर 7A। रमेश इस बात पे मान गए और कंपनी का नाम रख दिया गया रमेश फॉर ऑनलाइन ग्रोसरी ओपीसी लिमिटेड। रमेश स्वाभाविक है उसके क्या बन गए, मेंबर भी और डायरेक्टर भी। देखिए, डायरेक्टर से रिलेटेड बड़ी सिंपल चीज है, मैं तीन बातें कहता हूं, एक दो तीन। ओपीसी में एक चाहिए होता है, प्राइवेट में दो चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी में तीन डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो आप अकेले मेंबर हैं तो मेंबर के साथ साथ आप डायरेक्टर बन गए। लेकिन आप सारे जानते हैं ओपीसी में हमें नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि डेथ हो डिसेबिलिटी में वो क्या बन जाए, मेंबर। तो उन्होंने नॉमिनी के रूप में अपनी माता जी को बना दिया, भाई सब ठीक है। देखिए, केस स्टडी से आप ये भी एक चीज सीखते हैं, इससे पहले इंस्टीट्यूट ने अपनी बुकलेट जारी करी थी केस स्टडी पे, जिसके ऊपर मैंने सारे के सारे केसेस सॉल्व करके शेयर किए थे आप लोगों से।
नो डाउट। अब अमेंडमेंट्स वो तो जैसे जब आई थी तब शेयर कर लिए थे भैया, तो उनमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। वहां मैंने एक चीज सिखाई थी कि एग्जाम में जब आप केस स्टडी अटेम्प्ट करते हो आप क्या कर सकते हो, या तो आपने एक पैरा पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन देख लो, या अगर आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें एक लॉस हो सकता है। वो लॉस ये, अगर आप ये पूरी केस स्टडी पढ़ते हो, मान लीजिए ये केस स्टडी तो मैं कहूंगा इतनी बड़ी नहीं है, लगभग एक पेज की है, वरना दो दो ढाई ढाई तीन तीन पेज की केस स्टडी है, तब तक ऐसे स्टूडेंट आप भूल जाते हो कि क्वेश्चन क्या था। तो यहां एक पेज है तो मैं पूरा ही पढ़ रहा हूं। अब होता क्या है, एक साल के बाद रमेश से गलती हो गई, गलती मीन शादी हो गई और रचना आ गई, बीवी आ गई। तो अब होता क्या है, अब इन्होंने, इनको एक आइडिया और आता है कि ग्रोसरी का काम तो कर ही रहा हूं, एक नया बिजनेस और स्टार्ट कर लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मिल्क प्रोडक्ट्स का इन्होंने काम स्टार्ट किया और एक और ओपीसी बना ली जिसका नाम रखा अपनी बीवी के नाम के ऊपर। अब नई ओपीसी है, स्वाभाविक है उसका मेंबर होगा, तो ओपीसी टू का मेंबर स्वाभाविक उनकी वाइफ बनी और वही डायरेक्टर बन गई। अब उसमें भी तो नॉमिनी चाहिए, तो रचना ओपीसी में नॉमिनी बन गए उसके हस्बैंड रमेश। तो हम क्लियरली पढ़ के आते हैं, आप मेंबर के रूप में सिर्फ एक ओपीसी बना सकते हो, नॉमिनी के रूप में भी आप एक ही कंपनी में रहोगे, लेकिन जो मेंबर है वो किसी और ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, तो यहां बनने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होता क्या है, तो जो ऊपर हमने पढ़ा इन्होंने थोड़ा आसान बना के लिख दिया, ये एक हमें टेबल बना दिया, समराइज कर दिया ऊपर वाली पोजीशन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ग्रोसरी वाली और मिल्क वाली। अब हमें नहीं मालूम था ये आसान करके लिख दिया इन्होंने, वरना मैं सीधा ही पढ़ा देता, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, एग्जाम में पढ़ना तो पड़ेगा। अब होता क्या है, जो पहली ओपीसी थी रमेश के नाम पे, जहां माता जी नॉमिनी थी, माता जी चल बसी, शी इज नो मोर, तो आप सारे जानते हैं अगर नॉमिनी नहीं रही तो आपको नॉमिनी चेंज करना पड़ता है। लेकिन माता जी ने अपनी वसीयत बना रखी थी, वसीयत में उन्होंने ये लिख दिया कि मेरी मौत के बाद, मैं नॉमिनी हूं तो मेरी मौत के बाद मेरा जो दूसरा बेटा है या रमेश का जो भाई है सुरेश। हिंदुस्तान में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो देखिए आप भी देखते होंगे, नॉर्मल चीज है, दो भाई होते हैं बड़ा प्यार होता है, जान दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन कंडीशंस है, प्रोवाइडेड बोथ आर बैचलर। तो जैसे शादी हो जाती है तो दोनों ही आपस में लड़ते हैं, यही चीज आपको इस केस स्टडी में दिखेगी। तो माता जी तो लिख के चली गई अपनी वसीयत में कि दूसरा बेटा सुरेश नॉमिनी बन जाएगा। तो जैसे सुरेश को इस बात का पता चलता वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, देखिए आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई ना, क्योंकि भाभी आ गई है रमेश के साथ कि भी मुझे बनाओ, लेकिन रमेश मना कर देता क्योंकि आप तो बस उसे हर तरफ क्या दिखती है, रचना अपनी वाइफ, कहता ना भाई मैं तो अपनी बीवी को नॉमिनी बनाऊंगा, तेरे को नहीं बनाऊंगा, राइट। तो इससे ना खुश होके, एग्रीव्ड होके सुरेश ने डराया रमेश को कि भाई साहब मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा क्योंकि आप विल को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए हम कहीं नहीं ऐसा पढ़ते हैं कि नॉमिनी को ऐसा कोई हक होता है कि वो विल से किसी और को नॉमिनी बना ले, क्योंकि नॉमिनी बनाने का राइट मेंबर का है ना कि नॉमिनी का है। तो इस दौरान क्या होता है, क्योंकि भाइयों में लड़ाई हो रही है भाभी के चक्कर में, और इस दौरान ये भाभी पागल हो गई, बताइए मेंटली अपसेट हो गई, राइट, इनसेन लिखा है, और डॉक्टर ने भी कह दिया। और स्वाभाविक है जब आप इनसेन हो जाते हैं आप लीगली केपेबल नहीं होते हैं टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो स्थिति यह आ गई कि क्योंकि ओपीसी नंबर टू आप बना चुके थे तो रमेश उसका नॉमिनी था, ये जो मिल्क प्रोडक्ट वाली बीवी के नाम वाली थी, तो नॉमिनी आप है और मेंबर हो गया पागल, तो एज ए नॉमिनी अब आप क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, कहां ओपीसी टू में भी समस्या क्या आ गई, आप तो ऑलरेडी भी मेंबर है। तो हम क्लियरली पढ़ के आते हैं अगर आप इस तरह से किसी और ओपीसी में मेंबर बन जाते हैं तो 180 डेज के अंदर आपको एक ओपीसी छोड़नी पड़ती है। तो अब उसके एक मित्र ने उसे एडवाइस दी कि देख भाई मां तो गई और बीवी हो गई पागल, भाई से होगी लड़ाई, इतने पैसों के पीछे मत भागो, ऐसा क्या ग्रोसरी स्टोर रन कर रहे हो कि शांति नहीं मिल रही। तो उसने कहा आप क्या करें, एक कार्य करें, चैरिटेबल वर्क करें जिससे आप फ्री में एजुकेशन दो
गर्ल चिल्ड्रन को अपने गांव में। रमेश ने इस प्रपोजल पे देखा सही है और अपने फ्रेंड जो सीए सुधांशु है उनसे मदद ली और उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आप कन्वर्ट कर लो इस ओपीसी टू को, रचना वाली को, किसमें, सेक्शन आठ कंपनी में। लेकिन देखिए हम क्लियरली पढ़ के आते हैं ओपीसी ना तो सेक्शन आठ कंपनी बन सकती है ना ही वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है। ये ओपीसी के ऊपर एक रिस्ट्रेंट है, एक रोक है। तो आपसे कहा गया ऊपर वाले फैक्ट्स के मुताबिक ये एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करें। देखिए क्योंकि रचना पागल हो गई है, रमेश जो कि नॉमिनी था मेंबर बन गया है, नाउ हु विल मेक नॉमिनेशन फॉर दिस ओपीसी, क्योंकि मेंबर आप बन गए तो आपको एक नया 15 दिन के अंदर नॉमिनी भी लाना पड़ता है। तो यहां रूल 4-6 इसी में पढ़ते हैं, 15 दिन के अंदर आपको नॉमिनेट भी करना होता है। तो ऑब्वियसली जो रमेश है जो मेंबर बन गया है वही नॉमिनेट करेगा, 15 डेज का टाइम पीरियड है। सो ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट वे आपसे डिस्कस कराऊं, एक एक पढ़ूंगा तो देखिए बहुत घंटे आपके वेस्ट होंगे, आई डोंट वॉन्ट दैट। अगला, क्या आप ओपीसी टू को सेक्शन आठ में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए रूल 3 सब रूल 5 में हम पढ़ते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रमेश ओपीसी 1 का ही मेंबर है, 2 का भी हो गया और यहां तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप हुए हैं 2 अप्रैल 2020 में। तो मैंने कहा था 180 डेज के अंदर आपने कंप्लायंस करना है, एक कंपनी आपको छोड़नी पड़ेगी। ये हम पढ़ते हैं रूल 3 सब रूल 3 के अंदर। तो आप 2 अप्रैल से जब डेज काउंट करेंगे तो आपको यह ऑप्शन नजर आ जाएगी। देन कहता है माता जी का जब देहांत हुआ, डिमाइस, डेथ जब हुई, तो रचना क्या बन गई थी? ओपीसी 1 में नॉमिनी बन गई थी। लेकिन अब रचना पागल हो गई है तो अब आप रमेश को क्या सजेस्ट करेंगे? तो नेचुरल है अगर वो पागल हो गई है आपको नॉमिनी बदलना पड़ेगा। तो यही हम पढ़ते हैं रूल 4 सब रूल 6 के अंदर, आपको चेंज करना होगा तो आपको एक किसी और को नॉमिनेट करना। तो इसके साथ हमारा पहली केस स्टडी या केस सिनेरियो समाप्त होता है। अगले पे आते हैं और ये हमें दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर और वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ऊपर, बेलमेंट एंड प्लेज इकट्ठा पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर हम 148 से लेते हुए उसे पढ़ते हैं 181 तक, राइट? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ऊपर कहता रौनक एंड भौमिक ये भी भाई हैं और ये डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं, अगेन मिल्क प्रोडक्ट्स कह लीजिए। रौनक के पास 10 गाय हैं और उन्होंने यहां पे आपको डिटेल दे रखा मंथली रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैं पढ़ चुका हूं तो इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बस यहां से एक डाटा मेरे को पिक करना है। रौनक के पास 10 गाय हैं। हां अगर आप थोड़ा सा इसमें से अगर आप देखेंगे एक पॉइंट पांचवां है, वो अपने भाई भौमिक को सैलरी देता है क्योंकि वो रौनक की बिजनेस को थोड़ा हेल्प कर रहा है, राइट? बाकी ये कोई काम का नहीं, इसके ऊपर कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया। अब जो रौनक है उसका एक बेटा चिराग है और चिराग आजकल डेनमार्क में है और डेनमार्क काफी मशहूर है वहां पे मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। वो उसने इंजीनियरिंग की स्टडी करी है लेकिन अपने पिताजी को इनवाइट किया है कि भैया आप डेयरी बिजनेस के लिए कुछ टेक्निकल चीजें डेनमार्क से सीख जाइए, और चिराग ने इंसिस्ट किया पेरेंट्स को प्लीज आप आइए। पेरेंट्स का मतलब हो गया रौनक भी जाएगा और उसकी वाइफ भी जाएगी। रौनक ने ये बात अपने भौमिक से जिक्र करी, क्यों करी? क्योंकि गाय को तो साथ में ले जा नहीं सकते प्लेन में, देखिए थोड़ी प्रॉब्लम है कि उसने कहा मैं एक बरस के लिए बाहर जा रहा हूं, इस तरह से क्या आप मेरी गाय का ध्यान रखेंगे? उसने कहा डेफिनेटली भैया, और नो डाउट एक स्टाफ भी है, लेबरर्स भी है जो मैनेज कर रहे हैं काम को। सिर्फ भौमिक को उसे क्या करना है, एक सुपरिटेंडेंस मैनेजमेंट करनी है और कलेक्ट करेगा वो रेवेन्यू जो दूध बेच के पैसा आएगा, और जब रौनक वापस आ जाएगा पैसा लौटा दिया जाएगा। रौनक ने इस काम के लिए भौमिक को एक ऑफर भी दिया कि भाई साहब मैं आपको 10,000 रुपए पर मंथ दूंगा, जो आपने ऊपर सैलरी देखा भी था टेबल के अंदर। रौनक ने भौमिक को यह भी बताया कि गाय की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी भी करवा रखी है, मैंने प्रीमियम पहले से ही दे रखा है। लेकिन रौनक से गलती हो गई, देखिए आप जब आप अपनी गाय किसी को दे के जा रहे हो, गाय क्या होगी? गुड्स होगी, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट मैटर होता है गुड्स होता है, गुड्स होने चाहिए मूवेबल। लेकिन वहां पे हम बेलर एंड बेली के ड्यूटी एंड राइट्स भी पढ़ते हैं, जहां हम ये पढ़ते हैं बेलर की ड्यूटी है वो सारा का सारा सच बताए, स्पेशली डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, वो सारा ट्रूथ आपको बताना होता है।
तो लेकिन रौनक ने नहीं बताया कि ये गाय बीमार है। देखिए पशुओं में बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे आपने बर्ड फ्लू ये वो कुछ चीजें सुनी होंगी, अब तो इंसानों में कोविड फ्लू होने लग पड़ा, राइट। ये नहीं बताया, इससे था क्या, ऑफन मतलब बार बार एक गाय जो है बीमार हो जाती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब भौमिक ने एग्री कर लिया और उनकी अपने भाई की गायें लेके अपने खुद के डेयरी फार्म में आ गया, उसका भी डेयरी फार्म है भौमिक का। रौनक बीवी के साथ डेनमार्क में चला गया, भौमिक अब ये बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहा है। इस दौरान क्या होता है, गाय जो है वो जन्म देती है दो काफ्स को, बच्चे उनके पैदा होते हैं, बछड़े कह लीजिए जो भी आप कहें। अब हुआ क्या, वो एक गाय जो ऑफन बीमार रहती थी उसने ये बीमारी बाकी गाय को भी दे दी। एज अ रिजल्ट एक गाय भौमिक की वो भी बीमार होगी, एक और एंड वन काउ ऑफ रौनक, ये क्यों क्लोज कांटेक्ट में थे तो दूरी बनाए रखे, मास्क पहन के रखे, ये भी बीमार होगी और ये तीनों की तीनों गायें भी डेथ होगी। तो दो रौनक की गई, एक भौमिक की गई। जब बात आती है इंश्योरेंस क्लेम की, क्योंकि रौनक की गायों का इंश्योरेंस था, कंपनी ने मना कर दिया पैसे देने से इस ग्राउंड पे कि आपकी एक गाय जो थी बीमार थी। नंबर दो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करवाई जाती है तो पता यह भी चलता है कि जो दो गाय थी वो उस बीमार गाय के क्लोजनेस में थी, तो इन्फेक्शन उनमें भी फैला, इसलिए मौत हो गई, तो वजह इन्फेक्शन था। अब जब रौनक वापस आता है, दस में से दो गाय मर गई उसकी, आठ ही मिलेंगी लेकिन दो बच्चे भी मिलने चाहिए, तो भौमिक आठ गाय तो वापस कर रहा है लेकिन बच्चे नहीं वापस कर रहा, ये कहते हुए तुम थोड़े देके गए थे। प्रश्न ये है क्या बच्चे भौमिक के हैं, ये तो गलत होगा, हम क्लियरली पढ़ते हैं 163 में, आपने जब सामान वापस करना है, रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना होता है विद एक्रीशन, जिसका मतलब है एडिशन, वो बच्चे भी आपको देने पड़ेंगे। भौमिक ने बताया कि भैया वो जो बीमार गाय थी वो मर गई और साथ में एक और मर गई और क्लेम भी नहीं मिला। अब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या रौनक जो बेलर है यहां पे उसका फॉल्ट है? यस, मैंने आपको कोट किया है सेक्शन 150, उसका फॉल्ट है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो यस आपका एक ये फॉल्ट है। क्या भौमिक डैमेजेस क्लेम कर सकता है? अगेन मैं कहूंगा सेम सेक्शन 150, अगर आप वो फॉल्ट या मटेरियल फैक्ट नहीं बताएंगे तो दूसरी पार्टी बेली को नुकसान होता है, तो यू हैव टू बेयर, इसलिए रौनक क्या होगा, लाइबल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, तो उसने वो दो काल्स आपने डिलीवर नहीं किए थे वो आपको करने पड़ेंगे, लॉजिक मैंने पहले बता दिया था सेक्शन 163, रिटर्न विद एक्रीशन एडिशन, आप ड्यूटी बाउंड है। अगला प्रश्न, भौमिक ने आठ गाय वापस करी क्योंकि दो की डेथ हो गई, क्या रौनक इज इंटाइटल टू क्लेम डैमेजेस फॉर टू काउस? देखिए हम बड़ी एक सिंपल सी बात पढ़ के चलते हैं, ये पढ़ते हैं हम ये जो बेली की ड्यूटी पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 151 एंड 152 में, कि उसकी ड्यूटी होती है टू टेक रीजनेबल केयर, अगर रीजनेबल केयर आप नहीं करेंगे तो एज ए बेली आप लापल हो जाएंगे, तो यहां ऑप्शन बी सही नजर आती है, यस रौनक पैसे ले सकता ओनली अगर वो साबित करे कि भौमिक ने उसका ध्यान रीजनेबल केयर नहीं करी, मेडिकल हेल्प वगैरह नहीं ली, तो ही ले पाएंगे, वरना आप ये पैसा ले नहीं सकते। तो ये थे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, अब तीन चार एमसीक्यू और है, ये डायरेक्ट है। तो पहला है, आप एक कंपनी है, आपने डिबेंचर्स का पब्लिक इश्यू निकाला है और आपके आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन दे सकते हैं 2% ऑफ इश्यू प्राइस, तो कंपनी ने अंडरराइटिंग करवाई है और कमीशन रेट तय होता है 2.25%, तो आपसे पूछा गया कितना आप कमीशन दे सकते हैं, तो देखिए हम ये पढ़ते हैं सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 रेड विद रूल्स के साथ में कि कमीशन आप दीजिए लेकिन रेट हो सकता है 2% और 2.5%, हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम ये पढ़ते हैं 2% कहां था आर्टिकल्स में, कि जो आर्टिकल्स में रेट लिखा कंपेयर्ड विद 2.5% विच एवर इज क्या लेंगे आप लेस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ गया आंसर में बी आ गई। बढ़िया एक प्रश्न है, मैंने यहां स्टार भी लगा के दे रखा है, कृष्णा रिलीजियस पब्लिशर्स लिमिटेड है और एप्लीकेशन मनी आती है 20 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, 10 अक्टूबर 2019 को, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट करी। देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 42 के अंदर, आपसे पूछा गया लेटेस्ट डेट मतलब ज्यादा से ज्यादा कौन सी डेट तक कंपनी अलॉट कर दे,
तो हम सेक्शन 62 के अंदर बड़ा 42 के अंदर बड़ा क्लियर पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट 42 में कि आपने अलॉटमेंट करनी होती है 60 दिन के अंदर अंदर जिस दिन आपने क्या ले ली है एप्लीकेशन मनी। तो भाई बड़े सिंपल है, 10 अक्टूबर से लेकर के आप 60 दिन ऐड करेंगे तो आपको ये ऑप्शन सी बेटर नजर आएगी। आखिरी प्रश्न एमसीक्यू के ऊपर कहता सच शेयर्स विच आर इश्यूड बाय कंपनी अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉय को एट अ डिस्काउंट या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझ गए होंगे आप, हम पढ़ते हैं स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन नंबर 54 और रूल नंबर 8 के अंदर पढ़ते हैं, तो सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आता है डिवीजन नंबर बी जहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लीजिए सीधे क्वेश्चन। पहले आपको दे रखे हैं कंपनीज एक्ट के ऊपर और पहला प्रश्न ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये पब्लिक कंपनी है डिविडेंड रिकमेंड किया है और बाद में शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, क्योंकि पहले डिविडेंड रिकमेंड होता है बोर्ड मीटिंग में, बाद में जीएम में शेयर होल्डर्स उसे फाइनलाइज या अप्रूवल करते हैं। देयर आफ्टर डायरेक्टर्स ने एक और मीटिंग बुला ली और उसमें रेजोल्यूशन पास कर दिया कि डिविडेंड का जो पैसा देना था अभी डिविडेंड मत दो, डाइवर्ट कर दो इसे, और क्योंकि कंपनी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इस वजह से क्या हुआ, डिविडेंड दिया आपने 45 दिन के बाद। देखिए हम क्लियरली पढ़ते हैं, यूं कह लीजिए हम 127 के अंदर पढ़ते हैं डिविडेंड देना होता है 30 दिन के अंदर अंदर। इसी में हम पढ़ते हैं कि पेनल्टी भी लगेगी अगर आप नहीं देंगे, और हम कहते होते हैं कि जनाब कंपनी के ऊपर पेनल्टी है डिले के ऊपर, उसे 18% क्या देना पड़ेगा ब्याज, और जो डायरेक्टर्स अवेयर हैं इनको जेल हो सकती है मैक्स 2 साल की और इनके ऊपर फाइन लगेगा कम से कम 1000 रुपीज का। हम पढ़ते हैं कि कम से कम इनको 1000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, और 1000 रुपए का जो फाइन देना पड़ेगा वो देना पड़ता है इनको पर डे। तो ये पक्का याद रखिए जेल मैक्स थी और फाइन आता है मिनिमम। साथ में हम ये भी पढ़ते हैं सेक्शन 124 के अंदर अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने ड्यूडेंट नहीं दिया, नेक्स्ट 7 डेज आपको पता होगा कि ये पैसा चला जाना चाहिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, राइट। तो अब आपसे यही पूछा गया है इस प्रश्न के ऊपर कि क्या कोई वायलेशन हुआ है, यस 45 दिन बाद आप दे रहे हैं तो आप कंक्लूजन में लिखें वायलेशन हुआ है क्योंकि 30 दिन में आपने देना था और ये पेनल्टी है। अगला प्रश्न, अगेन आप एक पब्लिक कंपनी और साफ लिखा है आप लिस्टेड है और आपने ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर, देखिए फर्स्ट ऑडिटर हम कहां पढ़ के आते हैं, हम फर्स्ट ऑडिटर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 139(6) के अंदर, कंपनी का पहला ऑडिटर 139(6) के अंदर हम पढ़ते हैं जिसे अपॉइंट किसने करना होता है, बोर्ड ने करना होता है 30 दिन के अंदर, और यही लिखा है 30 दिन के अंदर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और यहां वर्ड रजिस्ट्रेशन साफ लिखा है आपने कर दिया तो बिल्कुल ठीक किया है। कहता अब क्योंकि जो पहला ऑडिटर होता है इसका टेन्योर होता है टिल द कॉन्क्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहता है, अब फर्स्ट एजीएम में यही ऑडिटर मिस्टर तेजा रीअपॉइंट हो गया, कहने का मतलब है यहां पे देखिए जब हम बात करते हैं 139 सबसेक्शन 1 में हम बात करते हैं सबसीक्वेंट ऑडिटर, और देखिए हम क्लियरली पढ़ते हैं सबसेक्शन 2 के अंदर लिस्टेड कंपनी वगैरह में टेन्योर होता है 5 साल का। अब समस्या क्या है, आप देखिए नई नई कंपनी बनी तो आप फर्स्ट एजीएम तक भी आ गए, अब आप 5 साल के लिए और अपॉइंट हो जाएंगे तो इससे टाइम पीरियड तो बढ़ गया, बट ये दोनों अलग अलग कंडीशंस होती हैं तो ये आप अपॉइंट हो सकते हैं। कहते हैं 5 साल तक रहेगा तो आपसे पूछा गया है क्या अपॉइंटमेंट, पहली बात तो जो अपॉइंटमेंट हुई थी 30 दिन में वैलिड है, बिल्कुल है वैलिड है जी। नंबर 2 क्या री अपॉइंटमेंट भी वैलिड है, यस वैलिड है क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें क्या है सेपरेट है, तो ये एक बढ़िया प्रश्न है राइट, तो इसको जरूर आप अच्छे से कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड में आता है, आप एक प्राइवेट लिमिटेड है पहली बात तो 30 सितंबर 2016 को आप बने हैं, 45 करोड़ की आपकी कैपिटल है, टर्नओवर है 250 करोड़, तो देखिए पेड अप कैपिटल 45 करोड़ है टर्नओवर है 250 करोड़। अब आपके अकाउंट्स मैनेजर ने इंटीमेट किया है कंपनी को कि इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है, देखिए इंटरनल ऑडिटर के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 138 क्योंकि बात हो रही है प्राइवेट कंपनी की, तो हम 2 लिमिट पढ़ते होते हैं, या तो भैया आपकी टर्नओवर हो कम से कम कितनी
200 करोड़। यह हम पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग, ये आपके बोरिंग्स वगैरह, डिबेंचर, डिपॉजिट, लोन वगैरह, ये हम लिमिट पढ़ते होते हैं 100 करोड़ से ऊपर वाली हम पढ़ते हैं। मतलब हमें यहां पे पेड अप कैपिटल को तो देखने का ही नहीं है, क्योंकि वो हम देखते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। तो यहां देखिए आपकी टर्नओवर 250 करोड़ है, तो क्या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, आपको करना पड़ेगा। इन सबके सोल्यूशन देखिए ऑब्वियसली आरटीपी में दे रखे हैं। मेरा लेक्चर देने का मतलब यही है कि कुछ ट्विस्ट हो, कुछ प्लस माइनस हो, मैं शेयर कर सकूं, या मेरे बहाने आपकी आरटीपी के सारे क्वेश्चन मैनेज हो जाए। देन अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है आपसे, चार्ज का डेफिनेशन पूछा गया, जो आप पढ़ते हैं 2 सबसेक्शन 16 के अंदर, कि चार्ज होता ही क्या है। ऑब्वियसली बड़े सिंपल पढ़ते हैं हम, कहते हैं इंटरेस्ट या लियन है जो कंपनी ने क्रिएट किया अपने एसेट्स पे, अंडरटेकिंग पे, और बोथ एंड इंक्लूड्स मोर्टगेज। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। देन आपसे पनिशमेंट पूछी गई है, और ये देखिए अमेंडमेंट एक्ट से पनिशमेंट बदली है, तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था आपको पार्ट वन जब मैं अमेंडमेंट लेक्चर आपसे शेयर कर रहा था कि पेनल्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम यहां पे क्लियरली पढ़ते हैं कि जो पेनल्टी लगती है या तो कंपनी पे लगती है, या ओआईडी स्टैंड्स फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो कंपनी के ऊपर अगर आप चार्जेस की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं सेक्शन 77 में जो हम पढ़ते हैं, तो ये फ्लैट पेनल्टी है, मींस डायरेक्ट कंपनी को भरने पड़ेंगे 5 लाख, ओआईडी को भरने पड़ेंगे भैया 50,000 रुपए। और साथ में एक चीज मत भूलिएगा, अगर आप कुछ फ्रॉड वगैरह करते हैं तो आपके ऊपर 447 की भी पेनल्टी लगती है, जहां 10 साल तक जेल में जाना पड़ सकता है। अगला प्रश्न, आप हैं एक प्राइवेट कंपनी, गौर कीजिएगा, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, और शेयर कैपिटल है 50 करोड़ की, आप स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर रहे हैं, और 10% आप स्वेट इक्विटी शेयर ये दे रहे हैं, और इसको मिला के टोटल जो बन रहा है, कहता है 30% बन रहा है। आप लॉक इन पीरियड लगा रहे हैं 5 साल का, ये गलत है, क्योंकि हम स्वेट इक्विटी शेयर्स में पढ़ते हैं लॉक इन पीरियड जो होता है 3 साल का होता है, जिसका मतलब होता है आप आगे अपने शेयर्स दे नहीं सकते। पर ये बात कर रहे हैं स्टार्टअप कंपनी, और स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड हम ये पढ़ते हैं, उनके लिए लिमिट अलग है, जो एक ओवरऑल सीलिंग लिमिट है ये हम पढ़ते हैं। इनके लिए लिमिट होती है 50% की ओवरऑल, आप इस तरह से कर सकते हैं, और यहां पे कितने दिए जा रहे हैं, टोटल 30% बन रहे हैं, तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। और अमेंडमेंट बेसिकली आप क्या देखते हैं, हम ये देखते थे पहले स्टार्टअप के जितने ईयर्स होते थे 5 साल होते थे टाइम पीरियड, अब ये टाइम पीरियड कितना है 10 साल। तो मतलब ये वाली चीज आपकी ठीक है, ये वाली चीज 5 साल की जो आप लॉक इन पीरियड लगा रहे हो गलत है, ये आप सिर्फ कितना लगा सकते हैं, आप 3 साल का ही लगा सकते हैं, उससे ऊपर लगा नहीं सकते। अगला जो प्रश्न है, देखिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर स्टार लगाया है, दिस इज रियली वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या है, आपने पहली बात यह आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप एबी लिमिटेड है, 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, और ये इसमें से एक XY ने ले लिए 4,000, 40% हुआ, PQ ने ले लिए 2,000, ये हुआ 20%, लेकिन दोनों ऐड कर दें तो 60 हो जाता है। अब समस्या क्या दिखेगी आपको, ध्यान दीजिए, एक XY है, एक PQ है, इसने लिए 40%, इसने लिए 20%, टोटल हो गए 60%। किसके लिए, प्लीज ये मत भूलिएगा, ए क्या नाम था, ए बी नाम आपको दिख रहा है उसके लिए है, राइट। अब कहानी क्या होती है, एबी की बात हो रही है, अब एबी जो है उसके पास 20% इक्विटी शेयर है आरएस के, कौन है आरएस, कोई और होगी, राइट। तो यहां ध्यान रखें, इस एबी के पास पहले से ही प्रायर कह लीजिए 20% शेयर्स हैं, किसके हैं, आरएस के। अब कहानी क्या है, आरएस कंट्रोल कर रही है किसको, कॉम्पोजिशन किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसका, XY एंड PQ का। हम ये कहते हैं सब्सिडरी का संबंध बनता है, या तो आप ले लीजिए क्या मोर देन 50% वोटिंग राइट, या फिर ये रिलेशन बनता है अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं मेजॉरिटी किसकी, डायरेक्टरशिप की, तो नेचुरल है यहां आरएस किसको कंट्रोल कर रही है, XY PQ को। तो पता चल गया जनाब हमें, क्या ये XY एंड PQ क्या है, सब्सिडरी है, किसकी है, ऑफ आरएस है।
तो इसलिए पता ये होना चाहिए, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं टू सबसेक्शन 87 में, लेकिन हम साथ में एक सेक्शन 19 ये पढ़ते हैं कि सब्सिडरी जो है वो अपने होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती या होल्डिंग सब्सिडरी को शेयर अलॉट नहीं कर सकती, पहले के रखे हुए या आप रख लो, राइट। नो डाउट उसमें हम एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं एज ए ट्रस्टी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, तो इतनी डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा। अब कहानी क्या होती है, कहानी यह हो गई आरएस की, ये दोनों हैं सब्सिडरीज, मिला के कितने शेयर ले लिया आपने 60%, किसके ले लिए एबी के। तो हम ये क्लियरली ये पढ़ते होते हैं कि आप सब्सिडरी का रिलेशन कैसे बनता है, या तो आप खुद शेयर ले लो या विद सब्सिडरी ले लो या विद सब्सिडरीज ले लो या सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, डीम्ड सब्सिडरी जिसे हम मानते हैं। तो कहानी क्या होगी, अगर इन दोनों ने मिलके ले लिए हैं, राइट, इन दोनों ने मिलके शेयर ले लिए, तो ए बी क्या बन गई, बिकम सब्सिडरी। अगर ए बी सब्सिडरी बन गई लेकिन ए बी ऑलरेडी कितने शेयर लेके बैठी हुई है 20%, किसके होल्डिंग के, तो हम सेक्शन 19 के अंदर यही पढ़ के आते हैं, पहले से अगर आपने शेयर ले रखे हैं आप रख सकते हो। लेकिन उसमें भी एक जबरदस्त चीज हम ये पढ़ते हैं, अगर कल होल्डिंग की जनरल मीटिंग होती है तो आप वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, क्या ए बी लिमिटेड सब्सिडरी है, तो क्या बन गया बेटा आंसर जो समझा, यस। क्या एबी लिमिटेड आरएस के शेयर ले सकती है, यस, क्योंकि वो आपने पहले के रखे हुए तो ले सकते हो, वरना सेक्शन 19 के हिसाब से आप ले नहीं सकते। क्या एबी वोट कर पाएगी, द आंसर इज नो, वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेंगे। सो दिस इज अ रियली वेरी गुड क्वेश्चन, आप कह लीजिए बहुत बढ़िया एक तरह से, और वैसे भी सब्सिडरी वगैरह के ऊपर अच्छी केस स्टडी बनती है, तो ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। देन अगला प्रश्न है, नटी बड़ी लिमिटेड, ये भैया मैन्युफैक्चरिंग में है, आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, कंपनी ने ईजीएम बुलाई है लेकिन कॉरम नहीं है, कॉरम हम 103 में पढ़ते हैं, सेक्शन 103 में कॉरम नहीं है, मीटिंग हो गई कैंसिल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी। देखिए अनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में हम पढ़ते हैं MGT 7, जो कि अमेंडमेंट के बाद हम ये भी देखते हैं, MGT 7A है, एब्रिज्ड रिटर्न है ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के लिए, ये पक्का याद रखिएगा। तो हुआ क्या, डायरेक्टर्स का दिमाग ये कहता है कि माना 60 दिन में करनी अनुअल रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन क्योंकि एजीएम ही नहीं हुई तो फिर हम फाइल क्यों करें, क्या ये कॉन्ट्रावेंशन है, तो आपसे पेनल्टी पूछ ली गई है सेक्शन 92 की और उसके अंदर अमेंडमेंट है, ये पहले भी मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट क्लास में शेयर किया था, तो प्लीज ध्यान रखें यहां पे पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, 92 है सेक्शन और एग्जैक्ट बताऊं तो सबसेक्शन 5 था और सबसेक्शन 6 के अंदर सीएस के ऊपर भी पेनल्टी थी। तो कंपनी के ऊपर एंड ओआईडी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर यहां पेनल्टी लगती है ₹10,000 प्लस यहां पे डेली के भी आपको ₹100 भरने पड़ते हैं, ₹100 पर डे, लेकिन 100-100 करके जो मैक्सिमम है यहां पे लिमिट चेंज हो जाती है, अगर आप कंपनी है या ओआईडी है तो कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो पेनल्टी रहेगी वो 2,00,000 रहेगी और ओआईडी के ऊपर रहेगी ₹50,000। सो ये पेनल्टीज प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी कहा था बार बार मैं कहूंगा, कहीं आप बच्चे गलती ना कर दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वहां कंपनीज एक्ट पे जो है, मैंने थोड़ा सा स्टार लगाया इस पे भी, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट के आरडीपी के आंसर से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए आप इस क्वेश्चन के ऊपर देखिए पक्का आप रेफर कीजिए, इवन स्टडी मटेरियल आप उस ढंग से देखिए, बाकी देखिए जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं या कोई और भी हो जो ये क्लास देख रहा हो, मैं अपनी आरटीपीज ऑब्वियसली हमेशा ही कहता हूं एग्जाम से पहले हर एक्ट की हर चैप्टर की मुझसे लीजिए आरटीपी एमटीपी, तो वहां पे मैंने इसके आंसर के साथ अपने कि इंस्टीट्यूट का आंसर ये है लेकिन आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि स्टडी मैट को भी हम देखें तो ये आंसर बनता है। देखिए चीज क्या है, 500 इक्विटी शेयर्स हैं, एबीसी कंपनी के हैं, अमित ने खरीदे हैं तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 56 ट्रांसफर वाला सेक्शन, लेकिन
दो पार्टीज होती हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। तो अमित ने खरीदे हैं, ट्रांसफरी बन गया। किससे खरीदे हैं? मनोज से खरीदे हैं, लेकिन ट्रांसफर डीड पे मनोज के साइन है नहीं। तो देखिए, आप क्लियरली एक चीज जानते हैं, अगर मैं बात करूं, पहली बात तो 56 की बात हो रही है यहां पे, कि फोर्जरी हमेशा क्या है? इज नलिटी है। फोर्जरी इज एज गुड एज नथिंग, राइट। अब होता क्या है, कंपनी की तरफ से गलती होगी। क्या गलती होगी? कि मिस्टर अमित ने 500 शेयर खरीदे थे, तो क्या मिस्टर अमित को शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? मिलना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी ने ये रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे कर दी। तो हम क्लियरली पढ़ के आते हैं, भैया जैसे आपने उसके नाम पे कर दिया, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 46 शेयर सर्टिफिकेट पे, जिसपे हम पढ़ते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट क्या एस्टेब्लिश करता है? टाइटल, कि आप उसके ऑनर हैं। इससे कंपनी के ऊपर क्या लग जाता है? प्रिंसिपल ऑफ स्टोपल। कंपनी मना नहीं कर सकती, आप ऑनर नहीं है। समस्या क्या हो गई? शेयर एक है और जो उसके मालिक हैं दो हो गई, एक अमित और एक मनोज। बेचारे मनोज का कोई कसूर है? तो मनोज को यहां पक्का प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए, उसके शेयर उसके पास रहने ही चाहिए। अब होता क्या है, अभी ने ये आधे शेयर बेच दिए हैं, सॉरी ये 250 शेयर, आधे शेयर अमित ने बेच दिए, एक तीसरा बंदा है मिस्टर अभी को, राइट। मिस्टर अमित और अभी को बिल्कुल नहीं पता है इस फोर्जरी का, मतलब जिसके शेयर बिक रहे हैं वो भी शरीफ आदमी, खरीदार भी शरीफ है। अब आपसे पूछा गया क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं इन तीनों के, वो भी किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। देखिए, पहली बात, मैं सिंपल आंसर मैं तो ये कहूंगा, मनोज पूरी तरह से क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टेड, मतलब उसके शेयर उसके ही रहने चाहिए, राइट। अभी जो जिसने शेयर खरीदे अमित से, तो अभी को तो नो शेयर्स कुछ मिलेंगे नहीं, उसका तो कंपनी के खिलाफ कोई राइट हो ही नहीं सकता। कहानी कहां के फंसी? अमित के नाम पे कंपनी ने क्या किया था? शेयर ट्रांसफर कर दिए। तो देखा जाए सेक्शन 46 के हिसाब से तो क्या लग गया? टाइटल उसका बनता है, लेकिन कंपनी तो फंस गई, आपने शेयर मनोज को भी देने हैं, राइट। तो यहां पे थोड़ी एम्बिग्यूटी निकल के आती है। तो इसलिए नॉर्मल मैंने क्लास में भी केस करवाया हुआ, शेफील्ड कॉरपोरेशन वर्सेस बाकले, इस केस में यह हेल्ड किया गया था कि जिसके नाम पे ये शेयर ट्रांसफर कर दिए गए हैं, राइट, देखा जाए वैसे इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी गलत शेयर खरीदे तो इसी ने है। अब कंपनी शेयर इसको भी दे और इसको भी दे, तो पहली बात है 46 के हिसाब से तो मालिक ये भी रहना चाहिए और ये भी रहना चाहिए, दो तो हो नहीं सकते। तो इसलिए इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि जो ये अमित है इसको क्या करना पड़ेगा, बेयर द लॉस, ही हैज टू बेयर इट। तो यहां थोड़ी एम्बिग्यूटी है, आप आंसर देखिएगा, या जो मेरी इंटरप्रिटेशन है जो मैंने हल्का सा यहां लिख दिया है, यू कैन रेफर टू। इसके बाद हम आगे जी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, बढ़िया प्रश्न है क्योंकि थोड़ी सी इसमें इंग्लिश की समस्या है। मिस्टर यादव एक कार्गो ओनर है और इनका सामान, कार्गो मीन सामान, एक शिप वेसल से जा रहा है, वेट जा रहे हैं, फॉरेन पोर्ट से जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, राइट। वेसल जो है स्टैंडर्ड मींस फंस गया ऑन ए रीफ। रीफ क्या होता है? समुद्र में कई बार बहुत सारी मिट्टी वगैरह आ जाए, अटक जाता है, कुछ पेड़ पौधे नीचे आ जाए तो अटक जाता है। तो समुद्र में 300 माइल्स अवे है फ्रॉम डेस्टिनेशन। अब शिप का जो मैनेजिंग एजेंट है साइंड अ साल्वेज एग्रीमेंट फॉर मिस्टर यादव, मतलब जो कैप्टन कह लीजिए, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए? यादव का सामान है उसके लिए। सैल्वेज मींस कि हां, आपका जो वीट फंसा हुआ हम निकलवाएंगे। तो एजेंट हायर कर लिया आपने, तो ये क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के ऊपर। जो उसका वीट था पेरिशेबल है, साल्वर्स जो बचा रहे हैं उसका सामान, उन्होंने उसे निकाला, स्टोर किया, खर्चा तो बेयर होगा,
सेलवर्ड्स ने इंटीमेट किया होल इंसिडेंट टू कार्गो ओनर मिस्टर यादव, लेकिन मिस्टर यादव जी जो हैं वो मना कर रहे हैं, भैया मैं तो नहीं पैसे देता, ये तो कैप्टन ऑफ द शिप की जिम्मेवारी है। देखिए, शिप का कैप्टन, उसका काम है शिप चलाना, आपका सामान लेके जाना है, लेकिन अगर शिप अटक गया है तो वो क्या करे। लेकिन समस्या क्या आती है, ये था इंपॉर्टेंट वर्ड कि वीट है पेरिशेबल है। तो हम एक पढ़ते होते हैं सेक्शन 189, जिसे हम पढ़ते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी या इमरजेंसी कह लीजिए। तो हम इसमें कहते होते हैं कि अगर कमर्शियल नेसेसिटी है, बोनाफाइड है, बोनाफाइड मींस गुड फेथ में आप काम करें, तो गुड फेथ में ही एग्रीमेंट किया ना आपने, तो यहां पे प्रिंसिपल को वो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, राइट? तो ये पैसा आपको भरना पड़ेगा सेक्शन 189 के अंदर। अगला प्रश्न, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे है। राहुल जो है ये मालिक है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के, प्रियंका उनकी दुकान पे आती है और एक एसी खरीदना चाहती है कॉपर का बना हुआ, तो कॉपर वर्ड यहां इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रियंका लेकिन अपना ये जो एसी है उधार पे लेना चाहती है, तो राहुल जो मालिक है उन्होंने कहा गारंटर लेके आओ, और मिस्टर अरविंद जो प्रियंका के मित्र हैं वो गारंटर बनते हैं। अब होता क्या, राहुल ने ये एसी बेच दिया एक पर्टिकुलर ब्रांड का, लेकिन उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। तो देखिए, हम क्लियरली पढ़ के आते हैं, गारंटी अगर ऑब्टेन हुई है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन 142 के अंदर, तो 142 में अगर गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन है तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी यहां लाबल नहीं होगा। तो क्या कहा गया, मिस रिप्रेजेंट क्या किया गया, आपने कहा कॉपर का है जबकि वो था किसका, एल्यूमिनियम का। तो होता क्या है, प्रियंका, नीदर प्रियंका ना ही उनके मित्र जो अरविंद है उनको इस चीज का पता था। जैसे उन्हें पता चलता है, प्रियंका मना कर देती है पैसे देने से, डैट मीन्स प्रिंसिपल डेटर मुकर गया। अब पैसे किससे लेंगे आप, एज ए क्रेडिटर, श्योरिटी से। राहुल ने केस श्योरिटी के अगेंस्ट कर दिया, क्या श्योरिटी लाबल है, तो हम कहेंगे श्योरिटी यहां लाबल नहीं है बिकॉज गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यह क्लियर लिखा था कि दोनों को इसके बारे में पता नहीं है, नीदर प्रियंका नॉर मिस्टर अरविंद हैड द नॉलेज ऑफ फैक्ट। बढ़िया क्वेश्चन नेगोशिएबल एक्ट का, आप एक प्रोमिसरी नोट बनाए जो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है जी। और प्रोमिसरी नोट वो बनाता है जिसने पैसे देने होते हैं, आपने भुवन को दिया लेकिन एक कंडीशन डाल दी, हमने कहा था कोई कंडीशन डाल नहीं सकते हैं, लेकिन डाल सकते हैं टाइम की, कंडीशन नहीं मानते, या पेमेंट होगा ऑन द हैपनिंग ऑफ श्योर इवेंट। तो आपने कहा कि पैसे मिलेंगे अगर डेथ हो जाएगी मिस्टर चमन की, तो ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चमन की मौत से पहले क्या हुआ, जो भुवन को, भुवन कौन है, पे ही हो गए, उन्होंने ये आगे इंडोर्स कर दिया, डिलीवर कर दिया। तो देखिए, डिलीवरी वगैरह हम पढ़ते हैं सेक्शन 46 में और 47 में ही, हम ये इंडोर्समेंट वगैरह कि बाय मेयर डिलीवरी दिस एंड दैट, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो हुआ क्या, जब भुवन से आगे इंडोर्स कर दिया तो ये दे दिया उन्होंने दीपक को, दीपक ने गुड फेथ में ले लिया। सो दैट मीन्स गुड फेथ में ले लिया, तो दीपक यहां क्या बन जाएंगे, सेक्शन 9 के मुताबिक होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन होता क्या है, ऑन द ड्यू डेट दीपक ने ये प्रॉमिस नोट प्रेजेंट किया अखिल को, लेकिन अखिल ने पैसे देने से मना कर दिया कि भैया मैंने तो पैसे तभी देने थे अगर डेथ हो जाती चमन की, राइट? भाई साहब, होल्डर इन ड्यू कोर्स को हम क्या पढ़ते हैं, प्रिविलेज पढ़ते हैं, उसको बेनिफिट है, अगर वो गुड फेथ में लेता तो उसको पैसे मिलने चाहिए। क्या दीपक रिकवर कर पाएगा, द आंसर इज यस, राइट? देन जनरल क्लॉजेस एक्ट का प्रश्न, जीसीए का क्वेश्चन, देख के आपको लगेगा शायद ये नेगोशिएबल एक्ट का, ये गलती आप कर सकते हैं। मिस्टर सोहन ने एक प्रॉमिसरी नोट, देखिए प्रॉमिसरी नोट तो पेपर में थोड़ा ध्यान रखिए ना, प्रश्न आया किस पे है, ये आपने 17 मई को दिया है और ये पेबल है 3 महीने, तो आप सारे जानते हैं नेगोशिएबल एक्ट के मुताबिक 3 दिन ग्रेस पीरियड भी होता है, तो ये मिक्सचर कहूंगा मैं, नेगोशिएबल वाला प्लस जीसीए का। तो जैसे आप 3 महीने ऐड करेंगे, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, तो 17 अगस्त में 3 दिन ग्रेस आप डालोगे, तो 3 दिन आपने डाले ग्रेस, तो आप पहुंच गए 20 अगस्त पे, राइट? तो ये आंसर आपका बनता है नेगोशिएबल के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन नेगोशिएबल का नहीं है, प्लीज ये मार्क कीजिएगा। कहता होता क्या, आफ्टर दैट डे
आफ्टर दैट सडन हॉलीडे 20 अगस्त को हो जाती, 20 अगस्त देख लिया आपने। तो नेगोशिएबल का तो सेक्शन 25 है कि अगर इस तरह से कुछ हो जाता है, आप कोई जैसे हम पढ़ते हैं उसके अंदर पब्लिक हॉलीडे, सडन हॉलीडे, तो वहां पे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट डे ले लो, भैया क्वेश्चन उस पर नहीं है। तो कहता वजह क्या रही, ड्यू टू मोहरम, राइट। अब जीसी एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है क्या डेट होनी चाहिए ऑफ प्रेजेंटमेंट, वेदर इट शुड बी 19 एक दिन पहले या 21, लेकिन प्लीज डू नॉट फॉरगेट क्वेश्चन किस पे है, जीसी पे है। तो हम जीसी का एक सेक्शन 10 पढ़ते हैं कि कोई भी कार्य है अगर आपने किसी कोर्ट या ऑफिस में करना है एक पर्टिकुलर डे के ऊपर, और उस दिन वो क्या हो जाता है, उस आखिरी दिन वो क्लोज हो जाता है, तो हम वहां पे क्लियरली पढ़ते हैं कि हम क्या लेके चलेंगे आंसर, हम लेके चलेंगे नेक्स्ट डे। सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 21st अगस्त, 20 नहीं रहेगा। इसके साथ आ गए हम अपने आखिरी प्रश्न पे, इंटरप्रिटेशन का है, डायरेक्ट प्रश्न है, आपसे पूछा ये गया है कि जब आप इंटरप्रेट करें एक स्टेच्यूट तो क्या परिणाम होगा यूसेज और कस्टम एंड प्रैक्टिसेस का। देखिए यूसेज कस्टम प्रैक्टिसेस, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये प्राइमरी रूल नहीं है, सेकेंडरी है, आप इसे एक्सटर्नल एड के रूप में भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर दरअसल हम पढ़ते होते हैं दो लेटिन मैक्सिम, अगर आपको याद हो, थोड़े विचित्र से नाम है लेकिन देखिए, जिस पहला था ऑप्टिमा लिगम इंटरप्रिसेट कॉन्स्टिट्यूटू, और दूसरा क्या आता है कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटोस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, तो बस वो आपने लिखना है, डायरेक्ट प्रश्न है। तो इसके साथ अमेंडमेंट्स प्लस आरटीपी के जो प्रश्न है मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, तीन ये हिस्से बनते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे फोकस्ड, और बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं बच्चों से, बेटा पास्ट क्वेश्चन कोई भी ना मिस हो, आरटीपी ना मिस हो, एमटीपी ना मिस हो, जब आपने तैयारी कर ली है अपनी आंखों से वो जरूर निकालिए। किसी को इस तरह के कोई प्रश्न चाहिए हो एट एनी टाइम आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आई बी प्रोवाइडिंग यू। तो माय व्हाट्सएप नंबर इज दिस 1981421254 53। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू।